हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ी 8th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो जब भी हम मान लो हम अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं, चाहे हम अपने यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें विजिबल हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अगर हम अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, वैलीज, ये सारे के सारे हमारी ज्योग्राफिकल फीचर्स में आ जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हम मैप के ऊपर उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे मैप की हेल्प से जज कर सकते हैं कि कौन सी फिजिकल फीचर है, जहाँ कह लो कि जो एरिया शो हो रहा है मैप पे वो रियलिटी में ग्राउंड पे कैसा होएगा। माउंटेन्स होएगी, मीन्स हिली एरियाज़ होंगे, उनके कैसे एजेस होंगे, शार्प होंगे, स्टीप होंगे, जेंटल स्लोप होएगा, प्लेन एरियाज होंगे, जहाँ कुछ भी जो भी मीन्स उनकी फिजिकल फीचर्स होएगी, हम मैप पे उसको कैसे जज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है ये इररेगुलर है। इट मीन्स कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डीप वैलीज है, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं, कहीं पे डेजर्ट्स है। इट मीन्स जो सरफेस है हमारी अर्थ का वो इररेगुलर है, एक जैसा नहीं है। तो जो इस चीज़ को जज करने के लिए वो जो एलिवेशन, एलिवेशन बोलते हैं हम हाइट को कि किस एरिया की या किस प्लेस की हाइट कितनी है, तो इनको जज करने के लिए हमने बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करा, जहाँ कह लो हम बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हमारी काउंटूअर लाइन्स है। तो काउंटूअर लाइन्स क्या होती हैं? काउंटूअर लाइन्स होती हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्व्ड लाइंस होती हैं, मीन्स काइंड ऑफ सर्कुलर लाइंस होती हैं, जो क्या करती हैं, शो करती हैं एलिवेशन की किस प्लेस की हाइट कितनी है। एलिवेशन मीन्स हाइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो ये जो है दैट इज़ काइंड जो यहाँ पे शो कर रहे हैं ये क्या है, कॉन्टूअर लाइंस हैं। इट मीन्स कैसी हैं, ये सर्कुलर लाइंस हैं, कर्व्ड लाइंस हैं, जो क्या शो कर रही हैं, एलिवेशन हाइट शो कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस एक कर्व्ड लाइन को ले लेते हैं, तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, लाइक यहाँ पे मान लो अगर ये ए है, यहाँ पे ये बी है, देन सी है, तो जितने भी प्लेसेस होंगी एक पर्टिकुलर कॉन्टूअर लाइन के ऊपर, उन सभी की जो हाइट होएगी, एलिवेशन होएगा, वो सेम होएगा। अगर सी लेवल से किसी की हाइट 2000 मीटर है, तो एक कॉन्टूअर लाइन पे जितनी भी वो एरिया शो हो रही है, तो उनकी जो हाइट होएगी सी लेवल से वो 2000 मीटर ही होएगी। अगर ज़्यादा वाली है तो ज़्यादा होएगी। इट मीन्स एक कॉन्टूअर लाइन पे जितनी भी प्लेसेस होंगी उनकी सेम हाइट होएगी। देन है टोपोग्राफिकल मैप्स। तो जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं, हम इनको टोपो मैप्स भी कहते हैं, हम इनको टोपो शीट्स भी कहते हैं। ये होते क्या हैं? तो जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं, जो यहाँ पे हेडिंग भी दिया हुआ है, ये बहुत डिटेल्ड मैप होते हैं। मीन्स इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो बहुत ही डिटेल में दी होती है और ये लार्ज स्केल मैप होते हैं। देन ये जो टोपोग्राफिकल मैप हैं, ये सिर्फ एलिवेशन हाइट ही नहीं शो करते, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें शो करते हैं? रिलीफ फीचर्स शो करते हैं, ड्रेनेज शो करते हैं, वेजिटेशन शो करते हैं, और ये तो हो गई नेचुरल फीचर्स। इसके अलावा वो मैनमेड फीचर्स को भी शो करते हैं, फॉर एग्जांपल रोड्स, रेलवेज, रूरल अर्बन सेटलमेंट्स, ये सारा का सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में शो करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप। ओके, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टोपोग्राफिकल मैप्स हैं वो हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली ये सबसे ज़्यादा किसके लिए बेनिफिशियल होती है? हमारे इंजीनियर्स के लिए, जो रोड्स बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो टोपोग्राफिकल मैप्स की हेल्प से हमें मिलती है, ये डिफेंस के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में, नेविगेशन के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कॉन्टोर की। सो अ कॉन्टोर इज़ एन इमेजनरी लाइन। इट मीन्स रियलिटी में अर्थ पे कहीं पे भी ये लाइन्स नहीं ड्रॉ करी हुई है, ये इमेजनरी लाइन्स है। Joining places having the same height above the sea level, उन places को ये join करेंगी जिनकी height same है। तो हम height measure करने के लिए एक basic level ले लेते हैं, उस basic level को बोलते हैं sea level। तो sea level से उनकी जो height होएगी वो same होएगी, elevation same होएगा। Okay, then means in contour lines की help से हम जो two dimensional figure होती है उसको three dimension में प्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स हमें
डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ कह लो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो एरिया शो करा हुआ है हमारे टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूअर लाइंस, वो कैसा होएगा, कैसी उसकी हाइट होएगी, एलिवेशन होएगी, कैसा स्लोप होएगा, एवरीथिंग। ओके, देन यहाँ पे है कलर, कि जो कॉन्टूअर्स है वो किस कलर से ड्रॉ करे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो इसके लिए जो कलर यूज़ होता है दैट इज़ ब्राउन। तो कोई सी भी कंट्री है वो जो कॉन्टूअर लाइंस को ड्रॉ करने के लिए वो ब्राउन कलर ही यूज़ करेगी। ओके, देन है यहाँ पे कॉन्टूअर इंटरवल्स। सो कॉन्टूअर इंटरवल्स क्या होते हैं, कॉन्टूअर के बीच में, मीन्स टू कॉन्टूअर के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है, उस सेट ऑफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं कॉन्टूअर इंटरवल। अभी कॉन्टूअर लाइंस क्या क्या शो करती हैं। फर्स्ट ये शो करती हैं एलिवेशन ऑफ द लैंड, की उस लैंड पोर्शन का जिसके बारे में मैप पे शो करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूअर, उसकी हाइट कैसी है, एलिवेशन क्या है, स्टीपनेस कैसा, स्लोप है उस एरिया का, स्टीप है, जेंटल है, कैसा है। देन शेप ऑफ द लैंड, तो कैसी शेप होएगी, लाइक अगर माउंटेनियस एरिया शो हो रहा है, प्लेन्स शो हो रहा है, प्लेट्यूज शो हो रहा है, तो हम उस लैंड की शेप को जज कर सकते हैं। देन है स्पेसिंग ऑफ द कॉन्टूअर एक्सप्रेसेस द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, ये कैसे स्टीपनेस उसकी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक माउंटेन की पिक्चर दी हुई है, देन उसके ऊपर कॉन्टूअर्स शो करे हुए हैं, तो अगर तो स्लोप स्टीप है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टीप स्लोप शो करा हुआ है, तो अगर तो स्लोप स्टीप है तो जो कॉन्टूअर्स होंगे वो पास पास होंगे, ठीक है। और दूसरे साइड पे यहाँ पे जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप शो करा हुआ है, तो जो कॉन्टोर्स होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे कॉन्टोर्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, जहाँ पे स्टीप स्लोप था वहाँ पे कॉन्टोर्स क्या थे, पास पास थे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि शेप ऑफ द लैंड क्या है विद द हेल्प ऑफ दोज कॉन्टोर्स। देन है बेसिक फीचर्स। तो बेसिक फीचर्स क्या है कॉन्टोर्स की, यहाँ पे क्या है कि वो कैसे हेल्पफुल हैं, क्या उनकी फीचर्स हैं। फर्स्ट इज दीज आर द कर्व्ड लाइंस, देन कौन सी प्लेसेस को ज्वाइन कर रही हैं दैट आर हैविंग सेम हाइट। सेकंड पॉइंट में लिखा है कॉन्टोर्स आर ड्रॉन एट अ कॉन्स्टेंट इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शो करा हुआ है इंटरवल 1 100 का, लाइक 100 200 300, मीन्स जो इंटरवल है वो कौन सा है, 1 100 का है, तो ये कॉन्स्टेंट होता है, एक जैसा ही होता है, और इस इंटरवल को हम बोलते हैं कॉन्टोर इंटरवल। थर्ड पॉइंट में लिखा है दे आर क्लोजर टुगेदर इन एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप, जहाँ पे स्लोप स्टीप है वहाँ पे ये पास पास होंगे, यहाँ पे स्लोप स्लोप जेंटल है तो ये एक दूसरे से दूर होंगे, वाइड अपार्ट होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द पैटर्न ऑफ कॉन्टोर लाइन्स रिजेंबल्स द शेप ऑफ द लैंड, तो जैसा उनका पैटर्न है वैसी उस लैंड पोर्शन की शेप होएगी। तो हम अगर मैप पे कोई भी कॉन्टोर शो करा हुआ है, हम उसे जज कर सकेंगे कि वो कैसे लैंड पोर्शन होएगी, हिली होएगी, और अगर हिली भी है, जहाँ कह लो माउंटेनियस भी है, तो फिर उसकी स्लोप कैसा है, ये हम सारा कुछ जज कर सकते हैं सिर्फ उस मैप की हेल्प पे जहाँ पे कॉन्टोर्स ड्रॉ किए हुए हैं। देन है वैल्यू ऑफ द कॉन्टोर्स, तो जो वैल्यू होती है कॉन्टोर की वो दो तरह से लिखी होती है, जहाँ तो कैसे लिखेंगे टूवर्ड्स द असेंडिंग साइड, जहाँ फिर लिखेंगे ऑन द कॉन्टोर डैम्सेल्फ। तो दोनों तरीके से हम इनकी वैल्यू लिख सकते हैं, या तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से उनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। देन है लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉन्टोर्स आर शोन इन ब्राउन कलर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो कॉन्टोर्स होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए ब्राउन कलर यूज़ करा जाता है। तो ये सारी की सारी हो गई फीचर्स ऑफ द कॉन्टोर। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है, दैट इज़ कंपैरिजन बिटवीन जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप, वही है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप बनाया हुआ है इस माउंटेन का वो कैसा है, जेंटल है, अपोजिट साइड पे कैसा है, स्टीप स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे जेंटल स्लोप है तो कॉन्टूअर्स कैसे हैं, एक दूसरे से दूर दूर बने हुए हैं, यहाँ पे स्टीप स्लोप था तो कॉन्टूअर कैसे हैं, पास पास बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन में पॉइंट्स लिखने हो तो फर्स्ट लिख सकते हो डिग्री और एंगल ऑफ स्लोप इज़ वेरी लो, इनकी डिग्री लो होती है, और दूसरी स्टीप स्लोप है तो इनकी जो डिग्री होएगी या एंगल होएगा वो बहुत ज़्यादा हाई होएगा, बड़ा होएगा। देन कंटूर्स आर प्लेस्ड वाइड अपार्ट, यहाँ पे दूर दूर बने हुए हैं, यहाँ पे कैसे होंगे, प्लेस्ड क्लोज
क्लोज टू वन अनदर। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन जेंटल स्लोप कॉन्टूअर्स एंड द स्टीप स्लोप कॉन्टूअर्स। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कीप ऑन वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।